आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीरो ऑयल दही भल्ले। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए भिगोई हुई मूंग व उड़द की दाल, दही, अनार के दाने, अदरक की जूलियंस, इमली की चटनी, हींग, साबुत जीरा, साबुत लाल मिर्च और नमक। दाल को हमने 7 से 8 घंटे भिगोकर रख दिया है। इसमें अगर आप चाहें तो आप दही ऐड कर सकते हैं और थोड़ी देर और छोड़ सकते हैं। इससे जो आपका बैटर है वो फ्लफ़ी हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, साबुत ज़ीरा, नमक और एक चुटकी हींग। इसे हम बीटर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। ध्यान ये रखना है कि बीट एक ही मोशन में करना है ताकि एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब बनाएंगे हम दही भल्लों के लिए मसाला। इसके लिए हमने साबुत जीरा और लाल मिर्च को रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे नॉर्मल मोटा या इमाम दस्ते में कूट लेंगे। इसे बहुत बारीक नहीं कूटना है, थोड़ा दरदरा रहने दीजिए। ये लीजिए, हमारा मसाला रेडी है। अब हम कुक करेंगे भल्लों को। नॉर्मली जो दही बड़े होते हैं उसे हम तलते हैं, बट इसको मैंने जीरो ऑयल बनाने के लिए स्टीम कुक किया है। इसके लिए हमने बैटर को इडली के सांचों में डालकर इडली मेकर में ढककर लगभग 10 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेंगे ये हुआ है या नहीं। ये हमारा अभी डन नहीं था तो हमने फर्दर 3 मिनट के लिए इसको और कुक किया है। जब भल्ले कुक हो जाए तो हम उसे निकाल लेंगे। अब दही भल्ले की दही रेडी करेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी दही, अपने भुने हुए मसाले, नमक, जिंजर की जूलियंस और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसको प्लेट करते हैं। इसके लिए हम पोर करेंगे अच्छे से जो हमने अपनी दही बनाई है मसालों के साथ, उसे ऊपर से थोड़ा और मसाला छिड़केंगे, जिंजर जूलियंस ऐड करेंगे और इमली की चटनी और अनार के दाने। आप देख सकते हैं हमारा स्वादिष्ट जीरो ऑयल दही भल्ले आपके लिए रेडी है।